ब्रह्म में मिलने के लिए, शून्य में खोने के लिए कोई भी किताब, कोई भी भाषा और कोई भी विधि पर्याप्त नहीं है। जैसे प्रेम करने की विधि और प्रेम का एहसास समझाया नहीं जा सकता, जैसे सूरज की तपती हुई धूप में एक पेड़ की छाया में बैठकर मिलने वाली शीतलता को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है और किसी भी विदेशक बताया नहीं जा सकता। उसी प्रकार माँ दुर्गा को अनुभव करने के लिए और उनका बच्चा बनकर अपना जीवन उनको समर्पित करने के लिए कोई भी विधि, कोई भी नियम हम इंसान बना ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, जैसे सागर में मिलने के लिए बर्फ की बड़े बड़े टुकड़ों को पिघल कर नदी में मिलना जरूरी है, जैसे हमें फलों की मिठास का अनुभव करने के लिए एक नियम, एक क्रम से गुजरना होता है कि पहले हमें बीज बोना होगा, उस पर पानी देना होगा, प्रेम देना होगा और धैर्य रखना होगा, वैसे ही दोस्तों माँ दुर्गा की ममता को अनुभव करने के लिए हमें कुछ नियमों और कुछ विधानों का ध्यान रखना पड़ता है। जब तक हम इस इंसानी शरीर में, तो आज मैं आपको ऐसे ही 6 नियम 6 विधान बताऊंगा जिनका हमें माँ दुर्गा की पूजन के दौरान खास ख्याल रखना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, वह हिस्सा भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो जानते हैं पहला नियम, लाल रंग का महत्व। जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा में आपको लाल वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। विशेषकर सौरेन स्त्रियां लाल वस्त्र पहनकर और श्रृंगार करके माँ की पूजा करें तो बहुत उत्तम है। माँ को जब आप पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो वह लाल रंग के हो तो बहुत बढ़िया है, जैसे कनेल, गुड़हल, लाल गुलाब, पलाश आदि पुष्प जो लाल रंग के वह माँ को बहुत प्रिय है, और इसमें जो अरहुल का पुष्प है वह माँ को सर्वाधिक प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार अरहुल के पुष्प के शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अंतिम भाग में महेश और अंकुरित भाग में स्वयं माँ दुर्गा का वास होता है, इसीलिए अरहुल का पुष्प माँ को सर्वाधिक प्रिय है। इसके अलावा माँ को श्वेत कमल, अशोक, चंपा, प्राजिता, अतिपुलोक चढ़ते हैं, लेकिन जो माँ को सबसे ज्यादा प्रिय पुष्प है वह लाल रंग के पुष्प ही होते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर अपने मंदिर में जहाँ रखी हुई वहां पर लाल वस्त्र बिछा हो तो बहुत बढ़िया है, और जिस चौकी पर आप माँ की स्थापना करते हैं उस चौकी पर भी हमेशा लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। माँ की पूजा में आसन भी लाल रंग का होना चाहिए। जो अक्षत आप माँ को अर्पित कर रहे हैं उनमें भी कुमकुम या रोली मिलाकर माँ को अर्पित करने चाहिए, ऐसे में माँ की विशेष कृपा मिलती है। और माँ की पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री जैसे लोबान है, गुगल है, धूप, पुष्प, घी, रुई, ये सब चीजें भी लाल कपड़े में ही रहनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों लाल रंग निडरता, खुशियों का और प्रेम का प्रतीक है और माँ दुर्गा स्वयं प्रेम स्वरूपा है। तो आइए अब जानते हैं दूसरी जरूरी बात, माँ दुर्गा की पूजा में जिन बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं वो पीतल या तांबे के बर्तन हो तो बेहद बढ़िया है, अगर चांदी के बर्तन है तो भी अच्छा है, लेकिन कोशिश करें कि अगर चांदी के नहीं भी हो तो माँ की पूजा में आप जिन बर्तनों का प्रयोग करें वह पीतल या तांबे के हो तो बहुत उत्तम होता है। अब आइए चलते हैं तीसरी नियम की तरफ कि माँ की पूजा में माला कौन सी होनी चाहिए। तो दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा में आपको निम्न में से किसी भी एक माला का प्रयोग करना चाहिए, लाल चंदन जिसे रक्त चंदन भी कहा जाता है, स्फटिक और रुद्राक्ष, और दोस्तों इनमें से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है लाल चंदन की माला। चौथी जरूरी बात, माँ दुर्गा को पूजा में शहद मिला हुआ दूध प्रतिदिन अर्पित करें, और ये बेहद उत्तम और सर्वश्रेष्ठ विधान है माँ की कृपा प्राप्त करने का। पूजा के बाद इसे स्वयं ग्रहण करें, आत्मा और शरीर की यह शुद्धि करता है। अब पांचवा नियम, जिस चौकी पर आप माँ की मूर्ति या भगवान की तस्वीर अर्पित करते हैं वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें, और जो आपकी चौकी और पूजा की वह चंदन या आम की लकड़ी की चौकी है तो बहुत बढ़िया है। और छठवां जरूरी नियम कि माँ की पूजा से संबंधित जितनी भी सामग्री आपको मंदिर में रखनी है वह हर कहीं आपको हर जगह नहीं रखनी है, उसको मंदिर के दक्षिण पूर्वी दिशा में आपको रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।